हाय हेलो यस नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। सोनाली है और आप हेलो मुझे दी सोनाली। ललन टॉप पर देखते हैं। और आज हमारे साथ, मतलब मैं खुद जिनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, फैन या कहूँ एडमायरा। स्पेशली जब भी ये कविता अपनी प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मैं सबसे बड़ी फैन रही हूँ इनके। माथे पर जो बड़ी सी बिंदी हुआ करती है उसके, आई ओहो लव इट, आई लव हर स्टाइल। तो आज हमारे साथ जो दी ललन टॉप पर हैं, वो एक इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट है। वो बचपन से उर्दू से दोस्ती रखती हैं। वो हिंदी में बहुत बहुत अच्छी हैं, दुरुस्त हैं। उनके गाने आप सुनते हैं, फिल्मी गीत सुनते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं। आज हमारे साथ वो हैं। एक पर्सनल किस्सा यहाँ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ से पहले ना एक रेडियो जॉकी हुआ करती थी, तो रेडियो पर हम लोग अक्सर गाने प्ले जी अक्सर क्या हमेशा गाने ही प्ले कर रहे होते हैं। जी कोरोना के समय में एक गाना जिसने, मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, हमें अपनी जिंदगी की अहमियत समझाई, वो था लव यू जिंदगी। सो आई रिमेम्बर आई प्लेड दैट सॉन्ग इन माई शो एंड माई बॉस टेक्स्टेड दैट वी आर हैविंग गूज बम्स बिकॉज इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ टाइम, राइट। और ये राइट गाना जिन्होंने एब्सोल्युटली। लिखा है, आज हमारे साथ है कौसर मुनीर। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू थैंक यू सोनाली। आपने लव यू जिंदगी की बात की तो वो वैसे ही तो सीमिंगली सिंपल सा एक फ्रेज है। लव यू जिंदगी हर कोई कहता है, कह सकता है, आम फैमसी बात है। लेकिन बिल्कुल सब सही आपने कहा, जब उसको सही मौके पे, सही जगह और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत बड़ी बात लगती है। सो यस, इन दिस होल पैंडेमिक एरा ये आई थिंक सबको याद दिलाने और याद रखने वाली बात है कि भाई अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए उसको। एब्सोल्युटली। अब बहुत सारे सवाल आने वाले हैं मेरी तरफ से। आप जब कहेंगे कि बहुत ज्यादा हो गया सोनाली, दफा हो जाओ यहाँ से, तो आई विल डू दैट। लेकिन है मेरे पास बहुत सारे पर्सनल और अफकोर्स आपसे काम से जुड़े हुए। तो सबसे पहले एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी शुरुआत, जो मेकिंग द मार्क वाली बात आती है, वो किससे मानती हैं? मतलब जैसी जैसी कोई नहीं, मैं अपने एज अ राइटर काम किया, टशन और इशक ज़ादे कहीं ना कहीं एक ऐसी फिल्म थी जिसमें गाने लोगों ने सुने, एंड पीपल वर लाइक आई एम अ फैन ऑफ कौसर मुनीर। मेकिंग द मार्क यार, आई हैव अराइव्ड वाली बात मेरी पर्सनालिटी में ही नहीं है। और मेरे ख्याल से वो शायद काम के लिए अच्छी भी बात है, क्योंकि जब आपको ऐसे लगता है कि आप कोई तोप हो गए, तो बंदूक फिर वो गोली छूट जाती है, बंदूक से गोली निकल जाती है उस वक्त तो। लेकिन हाँ, इशक ज़ादे एक एक दिल के करीब है, क्योंकि वो टशन का एक गाना किया, उसके बाद कई साल बीत गए, फिर ऐसा कुछ मेरे जहन में था भी नहीं कि भाई लिरिसिस्ट बनना है या कि अब डायरी भर के शायरी है, तो वो सब तो था नहीं। तो जब इशक ज़ादे आई, पूरी फिल्म के सारे गाने मैंने किए, टाइटल भी कुछ सूझा बना बना, ऐसा एक वर्ड हमने इशक ज़ादे बनाया। तो हाँ, ऑल इन ऑल जो वो है वो एक दिल के करीब है, एक एक प्यारी मेमोरी है। और बहुत सबसे जरूरी बात कि वो फिल्म को भी, उस फिल्म को भी लोगों ने सराहा, गाने भी खूब अच्छी तरह चले, और वो जो एक एक वो वक्त था, वो माहौल था, वो बहुत ही एक यादगार है और रहेगा मेरे लिए। हबीब फैसल, अर्जुन, परिणीति एंड सो ऑफ आप कोर्स कहेंगे नमन इशक ज़ादे। त्रिवेदी। यस, इशक ज़ादे, या ओके, बट मोर इन अ वो कहते हैं ना, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट रादर देन के अरे दुनिया ने मुझे पहचाना है। फिर तो आपने मतलब लगातार काम किया है। ये शुरुआत आपकी हुई टशन चाहे या इशक ज़ादे हो गए, बड़े एक बैनर तले, है ना? तो वो कितना ओवरवेलमिंग वेलमिंग हो गया आपके लिए? क्योंकि टीवी टीवी से फिल्में, और फिर फिल्मों में जो गाने आपने किए वो एकदम कह सकते हैं कि लोगों को क्लिक कर गए। तो वो शुरुआत कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए, या फिर इट मोटिवेटेड यू लाइक कि अब तो मैंने किताबें लिख देनी है और पन्ने भर देने हैं? नहीं यार, इस लिहाज में मैं वो बिल्कुल मुझ में वो यूपी वाला टशन नहीं है। मैं वो उस लिहाज से लल्लन टापिया नहीं हूँ, मैं बहुत ही बम्बैया हूँ कि वो मेरी मेरी जो लोकल है वो स्लो ही चलती है। तो फीलिंग्स लाइक बीइंग ओवरवेल्म्ड, फीलिंग्स लाइक यू नो आई हैव अराइव्ड, लेट मी राइट 5 बुक्स नाउ, वो ना तो तब हुआ ना अब है। मतलब जो पोएट या शायर, ये मेरे लिए बहुत बड़े अल्फाज हैं, ये मैं अपने साथ जोड़ना पसंद नहीं करती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसके लिए और काम करना है, उसके लिए अब और मेहनत करनी है, ये तो हम कर रहे हैं। तो ये नो ये एक स्टेशन आते जा रहे हैं, गाड़ी उस पर रुकती जा रही है, चलो अच्छा यहाँ से हमने क्या कहते हैं रतलाम से हमने सेब ले लिया और हमने ग्वालियर से तो बस वही वही चल रहा है। तो आई एम हैप्पी कि हर हर स्टेशन द स्टेशन जो मकाम है वो एक कुछ ना कुछ उपलब्धि हो रही है, कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है। लेकिन इसीलिए मैं लोगों, खैर मेरी 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 जो मेरा जाती सोचना है या जो मेरी पर्सनालिटी है, वो मुझे ये स्लो एंड स्टडी कछुए की चाल ही मुझे ठीक लगती है। एंड ऑफ कोर्स कामयाब होना, लोगों का आपका काम पसंद करना, आपके गीत आपके स्क्रिप्ट को चाहना बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, लेकिन वो इंसेंटिव है टू कीप गोइंग फॉर मी रादर देन टू टू थिंक दैट ओह नाउ आई एम द शिट। सो इट्स नॉट आई 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 एम या आई डोंट जनरली थिंक दैट वे। आपने आपने जिक्र किया, ये तो खैर मॉडेस्टी वाली बात है बहुत ज्यादा, लेकिन आपने जिक्र किया, अभी मैं खुद को नहीं कह सकती कि मैं शायर हूँ या मैं पोएट हूँ, लेकिन वो मुझे याद आ रहा है कि मैं शायर तो नहीं, मगर ऐसी जब से देखा मैंने तो उसको मुझको शायर करी, वो एक मोमेंट आया था आपकी लाइफ में कि या मुझे इश्क हो गया है या मुझे मेरा दिल टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, तब से आपने लिखना शुरू किया, या फिर इट वाज जस्ट वो भी ओवररेटेड है वो मेरे ख्याल से। ये मरने के लिए लिखने, मरना लिखने के लिए, मरने के बारे में लिखने के लिए मरना जरूरी नहीं होता या तो वही मुझे लगता है कि वो ओवररेटेड। हाँ ये इन सब चीजों का बहुत जरूरी होना होता है जब लाइफ एक्सपीरियंस के लिए, कि आपका ये तजुर्बा रहा, अनुभव रहा, दिल टूटना चाहिए वो तो टूटेगा ही, आप जी रहे हैं तो दिल धड़केगा भी और फड़केगा भी और इश्क में भी पड़ेगा और बहुत खूबसूरत मौके भी आएंगे और आप हाथ में हाथ डाल के गीत भी गाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, चाय की प्याली भी शेयर करेंगे, फिर तकिए में मुंह छुपा के रोएंगे भी, वो सब तो होगा। तो वो जो सारे एक्सपीरियंस और तजुर्बात हैं उनसे ही हम लिखते हैं। लेकिन मैं वो मेरा ली स्ट्रासबर्ग वाला मेथड राइटिंग मेथड नहीं है कि जो आप बीती वो आपको सिखाता है, लेकिन वहां वो मेरा वो मेरी स्याही नहीं है। जो स्याही है वो और खास तौर से फिल्मी गीत के लिए तो ऐसा होता है कि ठीक है आपका वर्ल्ड व्यू एक तरफ, सिचुएशन, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक लेबल, सबको सबकी क्या कहते हैं डीपी सामने रख के आपको अपना काम करना पड़ता है। सो यस देयर समथिंग टू बी सेड अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस बट देयर आल्सो समथिंग टू बी सेड अबाउट डूइंग द जॉब। ये जो आपने अभी कहा कि सब होते हैं एक्टर प्रोड्यूसर, खैर इस पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगी, आप कई बार फिल्मों के गीत लिखती हैं, कविताएं भी सुनाती हैं, इस 15 अगस्त पर एक खास प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इंडिया शायरी प्रोजेक्ट उसका नाम है, बिल्कुल उससे आप कैसे जुड़ी और कहाँ आपको देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्या कुछ खास है उसमें, कुछ एक टीजर हमें दे दीजिए। तो ये इंडिया शायरी प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जावेद साहब के साथ, डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ, इतने पॉपुलर और हरदिल अजीज स्टैंड अप आर्टिस्ट पोएट जाकिर खान के साथ मेरा नाम जुड़ा है और हम चारों मिलके अपनी अपनी वेल जावेद साहब को तो मैं वो खैर रहबर हैं और वो मेंटोर हैं, लेकिन हम सब मिलके अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कविता, नज्म, शायरी, पोइट्री, जो भी कह लीजिए। बट द एक्साइटिंग पार्ट ये है कि भाई एक एक मेन स्ट्रीम चैनल, एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म जैसे Z5 और एक मेन स्ट्रीम कंपनी जैसे जी लाइव इवेंट्स मिलकर वो शायरी और आजादी दोनों को मिला के सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस सेलिब्रेशन में, उस जश्न में हमें शामिल किया है, मुझे शामिल किया है, मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग बात है। अब मुश्किल काम ये है कि ये जो सारे बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज और बहुत भरे मतलब क्या कहते हैं अच्छी जो नीयत से हम चीज कर रहे हैं उसको हम कैसे वो करेंगे, बट देखते हैं, उसी में मजा है। तो 15 अगस्त को इंडिया शायरी प्रोजेक्ट एट Z5। आपने इतने सारे नामों का जिक्र किया, लेकिन एक मैं चीज जानना चाहती हूँ, आप जब बड़ी हो रही थी, ऑफकोर्स आप इन्फ्लुएंस, मैं पढ़ती हूँ आपके बारे में, तो आपने आई थिंक एक इंटरव्यू में कहा था कि आप कुछ कुछ शब्द अपनी किसी डायरी में लिख लेती थी, पर That's true. वो रेगुलरली नहीं होता था, वो
किसे, वो कौन है जिन्हें सुनकर आप बड़ी हुई, वो कौन है जिनके शब्द आप लिख रही थी, नोट कर रही थी कि दैट दिस इज समथिंग जो मेरे दिल को छुआ? तो मैं देखिए बंबई की पली बड़ी हूँ, तो उसमें बॉलीवुड तो का असर आप एस्केप कर ही नहीं सकते। हम हिंदी फिल्मों के पोस्टरों और रेडियो पे गीत सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो वही गीत और वही लिरिक्स और वही जो गाने बजते थे उनको ही कभी कॉपी में आपने उतार लिया, ये नहीं कि आपने उसको गाना है या उसका कुछ करना है, वो इतना अच्छा लगे कि कभी वो मुझे याद है वो साहिर साहब के भी होते थे और गुलजार साहब के भी होते थे, और उसपे अब आज भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है। तो और तो एक तरफ ये था, और दूसरी तरफ ये था कि भाई आप, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां भी जो हमने लिटरेचर पढ़ा तो पोएट्री से बहुत मुतासर होती थी मैं। मुझे लगता है पोएट्री ऐसी चीज है जो या आप समझते हैं या नहीं समझते, और वो समझ और उस समझ का दिमाग से नहीं दिल से ज्यादा ताल्लुक है। वो आपको जैसे आर्ट, जैसे आप किसी पेंटिंग को देखते हैं तो आर्टिस्ट का बगल में खड़ा होकर आपको अगर आर्टिस्ट को समझाना पड़े कि भाई ये पेंटिंग ये है तो उसका क्या फायदा, तो मुझे लगता है पोइट्री भी वही उसी तरह का आर्ट है। तो ये सो इंग्लिश पोइट्री हिंदी गीत दोनों का असर बहुत सर चढ़ कर रहा, और मेरे ख्याल से कहीं वही जो चक्रव्यूह है और जो चक्कर है वही जाके आज भी लिरिकली मेरे गानों में नजर आता है। तो हाँ, सो वेदर इट वाज साहिर साहब और गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब और आनंद बख्शी, फॉर दैट मैटर आई कंसिडर हिम अ वंडरफुल लिरिसिस्ट, जो हिंदी फिल्म मीडियम को उन्होंने जिस तरह से समझा है वो शायद उनके बाद आज के दौर में अमिताभ भट्टाचार्य ने समझा है। और मैं हमेशा वो इस बात को नोट करती हूँ कि दोनों की इनिशियल्स एक ही है। ऑफ कोर्स. और एक बात मैंने हमेशा देखी है कि आप तारीफ करने में तो कभी पीछे नहीं रहती हैं, तारीफ लेने के मामले में जरूर पीछे रह रही होती हैं. अच्छी बात है, अच्छी बात है. मुझे नहीं लगता कि ये लेकिन कुछ सोची समझी बात है, ये सच है, और मेरे ख्याल से ये थोड़ी अकलमंदी की भी बात है कि आप दूसरों से सीखने को हमेशा तैयार रहते, तभी आपकी जो भी आपका आपका क्राफ्ट है वो बेहतर होता है। ये मैं पूछना चाहती हूँ. ऐसे कहा जाता है ना कि जब सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं ना आपको, तो सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं आपको जब आप नहा रहे होते हैं या आप वॉशरूम में होते हैं, वो सबसे ज्यादा ख्याल आने वाला टाइम होता है. ऐसा ऑफकोर्स मेरे साथ भी होता है कि कुछ लिखना है या कुछ करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में रात के 2 बजे ख्याल आया जो सुबह उठते उठते ना गायब सा हो जाता है. ये ख्याल, ये थॉट्स वाला टाइम आपके लिए कौन सा होता है, और क्या प्रोसेस रहता है कि मतलब आपके पास हमेशा एक डायरी पेन रेडी रहती है, या आप तो खैर फोन में नोटपैड होता है जिसे आप तुरंत नोट डाउन कर लेती हैं? इस चीज में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी इस सिलसिले में, कि यार वो ठीक है, सुबह सुबह जब हम वॉशरूम जाते हैं या शावर में जाते हैं वो बहुत ही एक सुबह सुबह का टाइम होता है आपका, यू नो एक क्या कहते हैं, नई जमीन होती है, नया एक रिन्यूड ब्रेन होता है। यार लोग अपना फोन क्यों ले जाते हैं टॉयलेट में, मत ले जाया कीजिए, ये इस सच में ये मेरी एक अपील है, एक इल्तिजा है कि वो वाकई में टाइम है। आप कुछ भी नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं सोच रहे तो उसे मेडिटेटिव टाइम समझ लीजिए, लेकिन जो आप बाथरूम में सुबह सुबह लोग अपना फोन लेके जाते हैं, मुझे लगता है आप अपने जो आपका जो फ्रेश ब्रेन है और जो अच्छे ताजा ख्याल आ सकते हैं उसमें दूसरों के बासी क्या कहते हैं पूड़ियां आप उसमें वो कर रहे हैं, ना कीजिए। तो मैंने अक्सर ये सोचा है कि यहाँ बॉम्बे में ज्यादातर उम्र ऑटो रिक्शाओं में बीती है, मुझे ऑटो रिक्शा में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। या ट्रैवल जैसे लोग कहते हैं ना ट्रेन में, या वो जो मंजर गुजरते हैं खिड़की से, तो उस वक्त मुझे दैट ट्रैवल टाइम काइंड ऑफ हैज दैट मूवमेंट हैज समथिंग इन इट, और मेरे ख्याल से ऑटो जो रिक्शा है हमारी बंबई की खास तौर से वो खुली रहती है, तो उसमें ज्यादा वो व्यू भी बढ़ जाता है और क्या कहते हैं एक खुलेपन का अंदाजा ज्यादा रहता है। तो यस दैट्स माय आई थिंक समथिंग गुड हैपेंस। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लिखते हैं, तो कोई स्टेशन पे अगर आपको चाय 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 भी कह रहा होता है, उसमें भी आप कोई गीत खोज ही लेते हैं, कुछ शब्द खोज ही हाँ लेते हैं वो तो ऑब्जर्वेशन है, का वो तो, और खेल. काफी कंपोजर्स जो है वो आम जिंदगी में जो चलत होती है, जैसे वो ट्रेन की हो या ट्रेन पहियों की हो, चक्के की हो, चमचे की हो, चिमटे की हो, तो हर साउंड में एक म्यूजिकलिटी तो है, बस आपके सुनने वाले की पारखी कान होने चाहिए। जैसे एक पारखी नजर होती है वैसे
कान भी पारखी हो सकते हैं। पक्के होने चाहिए बिल्कुल कान बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इंडिया शायरी प्रोजेक्ट, हाँ तो ये मैंने लिखा था, मैंने कहा टीजर के तौर पे ये पेश है कि इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के बारे में, कि ये सूचना जनहित में जारी है, ये सूचना जनहित में जारी है, सच धज के शायरी आ रही है, लालटेन जला लीजिए, टिकट कटा लीजिए, आजादी की गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्लेटफॉर्म माने Z5, 15 अगस्त, जावेद साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास, जाकिर खान, एंडिंग। क्या बात है, मतलब लेखिका से कब आप जो मार्केटिंग में आ गई हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर जो ट्रांजिशन हमें देखने को है। मैसेज नहीं हूँ, अरे यार यू नो सोनाली, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। राइटर आप हो सकते हो, आप कंपोजर हो सकते हो, आप डॉक्टर, धोबी, बावर्ची, कुछ भी हो सकते हो। आज के जमाने में भाई एक्टर होना बहुत जरूरी है, हर चीज तो वीडियो पर होती है। अरे घर में आप अपने कुत्ते का बर्थडे भी नहीं मना सकते यार वीडियो के बिना, वो तो बहुत जरूरी होता है। तो उस येलो स्टाइल फील, और मुझे, और मेरी जो तस्वीर मेरे जहन में ना वो बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है कि वाह मैं क्या हूँ। फिर फोटो नजर, फिर फोटो आता है, फिर वीडियो आता है, और मुझे लगता है या मेरे खुदा ये क्या हुआ, अगर क्या से क्या हो कौसर मुनीर को ये गया। सोचना पड़ रहा है तो मतलब हमारे जैसे गरीब लोगों का क्या होगा, मतलब ये भी एक पहले सवाल तो है। तुम बोले लुक एट योर स्कार्फ, लुक एट योर वेल कलर्ड हेयर, लेट इट बी, या ब्लो ड्राइड ऑल्सो आई थिंक। आप कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं टीजर की तरह इस्तेमाल कर लूंगी वीडियो के लिए, लेकिन आप मॉडेस्ट हैं ये है। पर हाँ एक बात अपनी, आपने थोड़ी देर पहले जब आप जवाब दे रही थी तो आपने साउंड का जिक्र किया, कंपोजर का जिक्र किया। पहले का जो समय हुआ करता था, जितना मेरी लिमिटेड जानकारी जितनी है, कि तब एक धुन दे दी जाती थी और उस पर आपको लिखना होता था। क्या ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूड है या फिर यस यस नहीं है, और उसको मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि हम फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, उसमें एक जो म्यूजिकलिटी होती है आजकल जैसे किया जाता है, ग्रूव होता है, एक मेमोरेबिलिटी होती है कि बार बार वो ट्यून से ही आती है और मेलोडी से आती है, तो उसमें मैं कुछ बुरा नहीं मानती। मैं अपनी ना मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ, ना मैं अब शेर और शायरी लिख रही हूँ, मैं एक फिल्म के लिए एक तर्ज पे एक गीत लिख रही हूँ जिसको फिल्माया जाएगा, जिसको एडिट किया जाएगा, जिसकी मार्केटिंग की जाएगी, तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि एक मेलोडी पे लिखा। हाँ मुश्किल है, इसीलिए इट्स नॉट एज सिंपल एज राइटिंग पोइट्री। आई एम नॉट सेइंग राइटिंग पोइट्री इज इजी, बट आई एम सेइंग देयर आर फार अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व, उसमें अलग स्किल सेट्स इन्वॉल्व है जिसमें आपको मीटर पे, स्कैनिंग पे, सिचुएशन पे लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, वो अब एक रिक्वायरमेंट है उस दुनिया की, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप काफी, आपकी राइटिंग्स को मॉडर्न माना जाता है, लाइक एक तरीके से एक ओल्ड सोल है उसको एक बहुत जवान सा शरीर मिला हुआ है, ये वैसा हो जाता है कई बार। काश और सच में जी भी यही होता, काश रियलिटी में ही होता कि एक मॉडर्न सा शरीर भी होता मेरा। खैर आप करती तो है मजाक, मजाक क्या हो आप। इट्स ट्रू। पर हाँ ये आपके बारे में कहा जाता है। अब ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि आपकी भाषाएं दुरुस्त हैं, हिंदी उर्दू, आप कहती हैं कि ऑफिशियली आपने कभी सीखी नहीं, लेकिन आप पली बड़ी, आपके जो आई थिंक ग्रैंड मदर थी जी उनका ताल्लुक ग्रैंड रहा अंग्रेजी, मदर, आप ऑफ कोर्स आपने इंग्लिश लिटरेचर में आप आगे बढ़ी, पढ़ाई आपने करी। ये लैंग्वेज का जो रोल है इसे एक मॉडर्न टच देने में वो कितना होता है, क्योंकि आई एम श्योर कई बार आपको आज की तारीख में जब आप इंटरव्यू देती होंगी तो लोग ये पूछते होंगे कि आजकल के गीतों की भाषा थोड़ी सरल हो गई है, उसका एक मैं कहते हैं ना हर उसमें एक मिलेनियल टच आ गया है, ये ऑन पर्पस होता है। नहीं, वेल हर चीज ऑन पर्पस और कॉन्शियसली ही होती है। फिल्म या जब आप कुछ लिखते हैं, जब आपको प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं, तो हर लफ्ज पे उस जद्दोजहद होती है, सोच विचार होता है। लेकिन मुझे ये मॉडर्न टच नहीं, मॉडर्न सच लगता है, क्योंकि जिस भाषा में आप
जिएंगे, बोलेंगे, उसी में आप अपने गीत सुनेंगे, वरना वो आउटडेटेड और आर्काइक हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो दुरुस्त और क्लासिकल, जो क्लासिकल पोइट्री है, या जो साफ जबान है, या जो सही क्या कहते हैं तरीका है बोलने का, सुनने का, लिखने का, जो मकसद है उसको नजरअंदाज किया जाए, वो सब होना चाहिए। लेकिन जैसे वो एज द फ्रेज गोज, यू हैव टू मूव विद द टाइम्स। तो अब जैसे ये बहुत एक डिबेट होता है रिमिक्स गानों पे, मुझे रिमिक्स के कॉन्सेप्ट से कोई उलझन नहीं है, मुझे रिमिक्स के क्वालिटी से उलझन है। अभी अगर मेरी 18-19 साल की बेटी को अगर मैं उससे मैं कहूंगी कि भाई तुम इकबाल बानो की कवालियां और गजलें सुनो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो शायद कोक स्टूडियो का वर्जन सुन ले, और उसको सुनने के बाद शायद वो फैज की पोइट्री में दिलचस्पी लेने लगे, विच मुझे उससे मुझे उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, तो वो जैसे जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि आइटम सॉन्ग तो फेविकॉल भी है, लेकिन आइटम सॉन्ग बीड़ी जलेले भी है, अजरारे भी है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट द आइटम सॉन्ग, द प्रॉब्लम इज द कैलिबर एंड द एबिलिटी टू राइट इट इन अ वे दैट इट इज नॉट क्रूड एंड भद्दा, और उसमें कोई एक वजन है और एक, हाँ, एक क्लास है। ऑफ कोर्स, ये भी आपने एक बात कही क्वालिटी के बारे में, तो आजकल मुझे लगता है कि एन नंबर ऑफ गाने, लाइक देयर सो 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 मेनी सॉन्ग, तो कहीं ना कहीं वो भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली एक बात हो जाती है. पर उनमें से कुछ गाने देखिए ऐसे निकल कर आते हैं, जैसे सुनो ना संगमरमर, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसकी भाषा सरल भी है, नहीं भी है, लोगों के दिल को भी छू गया, उसका हुक भी इतना कैची था. ऐसे गाने लिखना, या ऐसा कौन सा गाना है, जितने गाने आपने लिखे उनमें से सबसे मुश्किल आपको लगा कि ये था तो इस सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट था. पार्टी सॉन्ग्स, शादी सॉन्ग्स, वेरी मुश्किल, इट इज नॉट इजी। मतलब लोग उसी की उसी को बड़ा बुरा भला कहते हैं, उसी को गालियां देते हैं। मैं ये सूचना भी जनहित में जारी करना चाहती हूँ, बड़ा मुश्किल है लोगों को नचवाना, हंसाना। वो बिना वो, मैं बिना अल्कोहल की बात कर रही हूँ, जो वो बहुत मुश्किल काम है, मतलब दो पैग के बाद कोई भी डांस करने लगेगा, लेकिन अपने गीतों और अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो कुमार, जो लिरिसिस्ट कुमार हैं, या अमिताभ हैं, या और बहुत भी, या ये जो बादशाह हो गए, और अपने जमाने में हनी सिंह थे, या अभी ये क्या कहते हैं दिलजीत हैं, वो मतलब होल द होल पंजाबी पॉप कल्चर, इट्स वो, और अगर अच्छा बने तो वो मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग, जो वो बहुत ही हार्डकोर, यू नो, हैप्पी फन जोन वाले गाने होते हैं, वो उनको अगेन क्वालिटी से और प्यार से, और एक 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 उसमें भी एक बात किया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनका हल्का होना आसान है, बट टू बी एबल टू डू अ गुड हैप्पी पॉपुलर डांस स्लैश पार्टी नंबर, वेरी हार्ड। और जब ये गाने चाहे पार्टी नंबर हो या कोई भी नंबर हो फिल्माया जा रहा होता है, तब आपकी प्रेजेंस कितनी होती है कि ये बिल्कुल भी लाइन नहीं मैंने इस होती, भाव से लिखी है, इस भाव से इसे बिल्कुल बोली है, या फिर नोबडी नोबडी केयर्स इंक्लूडिंग मी। मुझसे एक बार एक डायरेक्टर ने कहा था कि तुम यार, तुम वो हो कि बच्चा पैदा हो गया, मतलब गीत जब लिख दिया, अप्रूव हो गया, अब वो बड़ा हो कि ड्रग एडिक्ट बने, मर्डरर बने, तुम्हें कोई परवाह नहीं। मैंने कहा आई एम हैप्पी टू हियर दैट, क्योंकि हम मेरा काम वहीं पे तक था, अब वो तुम्हारे हवाले, यू नो, गीत साजियो। लिरिक्स आती हूँ. या बिकॉज इट्स अ रिले एंड इट्स अ टीम एफर्ट हमारा, हम और फिल्माने में, उसको फिल्म बनाने में इतनी सारी इतने लेवल्स, लेयर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, इतने लोग उसमें शामिल होते हैं कि भाई आप अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरे प्यार और पूरे जोश और पैशन के साथ कीजिए, लेकिन यू शुड ऑल्सो नो वेन टू होल्ड ऑन एंड वेन टू लेट गो। ये वाला जो एटीट्यूड है इसको आने में आई एम श्योर समय लगा होगा कि ठीक है, ट्रीट इट द वे यू वांट. नहीं, बचपन में मुझसे लोग पूछते थे व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, आई यूज्ड टू से आई वांट टू बी हैप्पी। मुझको रियलाइज ही नहीं होता था कि वो डॉक्टर, टीचर, लॉयर,
पूछ रहे हैं, मुझे लगता था कि तुम बड़े होके क्या होना है, मुझे मतलब जो कुछ होना खुश होना है, वो अभी तक पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है, लेकिन काम चालू आ है। पर ये भी एक किस्म की क्लैरिटी है मुझे लगता है, जो किसी के पास भी होनी बहुत जरूरी है। बट नॉट भटक बट गई डजेंट सवाल से, एवरीबडी वॉन्ट दैट, ये करना चाहते हैं। नहीं बट सोनाली ऑफ कोर्स, डजेंट हाँ एवरीबडी वॉन्ट दैट, बट अगर तुम कह रही हो कि वो, अगर अगर तुम मुझसे कहो कि तुम अपने करियर के टॉप पे जाना चाहती हो, वॉन्ट टू बी अ वर्ल्ड नो रिनाउंड जर्नलिस्ट, वॉट विल दैट डू टू यू? ऑफ तुमको खुशी देगा ना, कोर्स, बस गोल तो वही हुआ ना। मोटिवेशनल स्पीकिंग, न्यू बहुत सारे करियर लोग मोटिवेट होकर अपॉर्चुनिटी, जाएंगे इस इंटरव्यू न्यू करियर से। अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है आज की तारीख में। अच्छा, इतनी सारी बातों में थ्री इडियट्स का वो डायलॉग आता है कभी मन में, कि बोल बोल रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं? कभी कभी जब कम ऐसा होता है, लेकिन कभी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगे अपना काम तो ऐसा लगता है। कौन सा एक गाना आपका लिखा हुआ है जो आपको लगता है कि मतलब उसको रिसीव भी बहुत अच्छे से किया लोगों ने और आपको भी पसंद आया? इशकजादे का जिक्र तो मैंने किया ही है, सीक्रेट सुपरस्टार का पूरा एल्बम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसको उस काम फिर मेरे ख्याल से जो मेरा एंड प्रोडक्ट है वो जर्नी से बहुत जुड़ा रहता है, तो अगर मेरी जर्नी की जो यादें हैं वो अच्छी होती हैं, तो मुझे अपने आप में वो एंड प्रोडक्ट भी अच्छा लगने लगता है। और हाल ही में माना कि हम यार नहीं, एक गीत है, गाना है जिसको बहुत प्यार मिला है, बहुत लोग उस पे कसीदे लिख के मुझे भेजते हैं, तो मुझे लगता है यार इतना तो मैंने खुद नहीं सोचा, इतने तो जितने गाने में लाइंस थे उससे 10 गुना ज्यादा तो आपने मुझे लिख के भेज दिया, सो आई फील वेरी ग्रेटफुल। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई गाना लोग सुनते हैं तो एक टाइटल प्लेट होती है, उस टाइटल प्लेट पे लिखा होता है कि ये इन पर फिल्माया गया है, इन्होंने गाया है, इन्होंने कंपोज किया है। आपने कैंपेन का हिस्सा बनकर भी ये बात कही थी, क्रेडिट दे दो यार, हाँ हाँ है ना? तो उसका कुछ असर आपको दिखता है कि उस पर्टिकुलर कैंपेन के बाद कुछ असर पड़ा हो? कुछ कुछ हुआ है, कुछ जैसे जावेद साहब पे कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है, उनकी लाइन है, लेकिन हुआ है, मतलब जैसे अब कोई एक सी चेंज नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी लहर नहीं आई है, लेकिन हाँ छोटी छोटी मौजें आनी शुरू हो गई हैं, तो होते होते कश्ती शायद एक दिन पार आई भी हो थिंक आप कह जाएगी। रहे हैं माना कि हम यार नहीं के बाद जो कसीदे आप पढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी बात है। दी वो लोगों की जो का फीडबैक होता है, और जो उनका उनकी मोहब्बत होती है, उस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि भाई मैम ने कुछ किया और उसका कुछ असर कहीं आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव असर पड़ा, वो किसी किसे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, वो अपने आप में एक रिवॉर्ड है। अभी आपने सीक्रेट सुपरस्टार का जिक्र किया था, तो सीक्रेट सुपरस्टार का जो गाना जब आपने लिखा, वो फिल्म में लगा, वो गाना आमिर खान ने कहीं ना कहीं कहा माइट नॉट सूट, आपका मानना कुछ और था, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं एक्टर्स का या प्रोड्यूसर्स का कितना रोल होता है? ये सवाल आपने खुद जावेद साहब से भी पूछा था कि जब आप कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो आपने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का आपका क्या तरीका है? और सीक्रेट सुपरस्टार में या किसी भी फिल्म में आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो? ऑलमोस्ट हर फिल्म में होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं कह रहे मैं आ गई हूँ, मैंने लिख दिया, आपने उसको अप्रूव कर लिया, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, सिचुएशन पे लिखा जाता है, डायरेक्टर का पहला ऑफ कोर्स कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर आपके इमीडिएट कोलैबोरेटर होते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है, जब एक अच्छी पार्टनरशिप हो जैसे सीक्रेट सुपरस्टार में थी, तो डिस्कशन के थ्रू चीजें सॉल्व होती हैं, या तो आप मुझे कन्विंस कीजिए या मैं आपको कर लूँ, और दोनों सूरतों में मैं खुश हूँ, तो वो दैट हैपेंस ऑन अ गुड डे व्हिच हैपेंड विद सीक्रेट सुपरस्टार, समटाइम्स इट डजंट हैपन, और वो वक्त है जब मैं वो जो मैं अपनी फिलोसफी की बात कर रही थी कि यार अच्छा है दिल के साथ पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। क्या बात है। अच्छा, हम लोग तो 90s किड्स है ना, 90s के गाने और फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, आपका खास प्रेम नहीं है 90s के गानों से, वजह क्या है?
90s के गानों से नहीं है, लेकिन 90s के खानों से बहुत ओहो हो है। या बढ़िया कह रही हूँ। लुक एट देयर फेसेस, सो हैंडसम। अच्छा, आप गानों की बात कर रहे खा थे, खानों की। खा खानों के गानों के ऐसा नहीं है कि वो गाने अच्छे सभी खराब थे, या बहुत सारे, ये थोड़ा सा एक वो हो गया है, एक रिवर्स स्नॉबरी भी हो गई है कि अरे 90s सॉन्ग्स वर सो अनकूल। हमने भी खूब आशिकी के गाने गाए और दिलेर के मानतने के गाने गाए और खूब खुश हो के गाए। कुछ हद क्या होता है फिर उसके बाद, वो भेड़ चाल हो गई, वो कुकी कटर हो गए। आशिकी के गाने अच्छे थे, लेकिन फिर उसके बाद जो 25 फिल्में आई उसके सब वो आशिकी के क्लोन ही थे। सो दैट इज द इशू। सो द इशू इज नॉट कि यू नो कि एंड वो नहीं होना चाहिए। जैसे आज भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर आपसे कहता है कि आपने जैसे वो लिखा, या ये जो क्यों, वो मुझे, वो मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती, या मुझे समझ में नहीं आता वो। क्योंकि मैं, अगर मैंने भी वो कुछ काम किया, अगर अगर आप मुझसे कहेंगे, माना कि हम यार नहीं दोबारा देख दो, नहीं लिख सकती, क्योंकि वो उस फिल्म का माहौल था, उस कंपोजर, उस डायरेक्टर, उस वो जो जिस कमरे में हम बैठे थे उससे वो पैदा होके निकला था। वो मैं हूँ और तुम हो, लेकिन वो अब वक्त बदल गया, अब और वक्त बदलने के साथ अब मैं भी वो मैं नहीं हूँ। सो दैट वॉज द इशू विद द 90s सॉन्ग्स, दैट इट बिकेम, दे बिकेम पुअर क्लोन्स ऑफ देमसेल्व्स। आपने एक बात कही कि मैं माना कि हम यार नहीं वापस नहीं लिख सकते, लेकिन आपने वो गाना था तुझो मिला, वो 7 वर्सेस उसके अलग अलग लिखे, और सातों को मुझे लगता है इक्वली मोहब्बत मिली, तो हाँ मुझे जिक्र करना जरूरी लगा। ऐसे समय में फिर आप किसी की मदद लेते हैं या किसी को बोलते हैं कि यार अब मुझे शायद कहीं ना कहीं वोकैबलरी में लिमिटेशन फील हो रही है, नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं अब मेरे बहुत ही पसंदीदा कोलीग इरशाद कामिल की मदद लूंगी, जो बहुत सही उन्होंने एक बार कहा था, और वो बिल्कुल फिट हो गई मेरे दिमाग में वो बात, कि जो तर्ज होती है, जो धुन मेलेडी होती है, वो आयन पीस की तरह होती है, लोहे की तरह होती है, और जो वर्ड लव अल्फाज होते हैं वो आयन, सॉरी, वो मैग्नेट की तरह होती है, और जो लव्ज होते हैं वो आयन फाइलिंग्स की तरह उस मैग्नेट से आके चिपकते हैं। तो जो सही अल्फाज हैं वो तर्ज को, सिचुएशन को ढूंढ लेते हैं। और लिरिक इंडियन फिल्म राइटिंग में मुझे वही लगता है, वही होता है। और तू जो मिला की बात करें, मुझे मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने एडिट पे देख के लिखा। सो आई गॉट द इमोशन फ्रॉम, दिस इज हाउ वी डिड इट। पहला तो लिखा धुन पे, और उसके बाद धुन तो सेम थी, कबीर ने उसको शूट किया हुआ था, कबीर खान जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने वो, ये उनका आइडिया था, उन्होंने मुझे एडिट पे बुलाया कि आप सारे एडिट देख लो, सीन्स देख लो जहाँ पे उसको डाला जाएगा, एंड दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज वही वही इमोशन मैंने लिखा उसमें। स्पेशली जो बजरंगी भाईजान में वो सीन है, जो इंटरवल से पहले वाला सीन है, जब वो बच्ची को वो ब्रॉथेल से बचा के लेके आता है, उससे पहले वहां वाला तो बहुत ही, इट वॉज इजी फॉर मी बिकॉज आई रिएक्टेड टू वेल, हांसा बैंड वट एवर द स्क्रिप्ट एंड द एडिट वाज शोइंग मी। यहाँ आप कह सकते हैं हमने तो बस वो लिखा है जो कुछ लिखा है आपने। अच्छा, ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे पास तो बहुत बातें हैं, मैंने कहा था ना आपको कहना पड़ेगा दफा हो जाओ ज्यादा सोनाली। समय तो तो हो चुका। बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। इंडिया शायरी प्रोजेक्ट में तो आप आने ही वाली इस 15th अगस्त, लेकिन आजकल और क्या लिख रही हैं, क्या काम कर रही हैं? तो ये अब पैंडेमिक की वजह से काफी प्रोजेक्ट जैसे स्टॉप स्टार्ट, वो गाड़ी चल शुरू होती है फिर रुक जाती है, तो फिल्में भी हैं, ओटीटी भी है, कुछ डायलॉग, ये वो तो है, एक इट्स लाइक अ बुके ऑफ राइटिंग। लेकिन सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है, जो लकीली Z5 और Z लाइव इवेंट्स मुझसे करवा रहे हैं, जो है इंडिया शायरी प्रोजेक्ट। मुझे वो, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है ना, जो मर्जी बोलो, अपने स्टाइल में बोलो, और यू नो इट्स, वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग पोइट्री एंड सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, एंड आई हैव द फ्रीडम टू डू दैट, सो दैट्स द गुड पार्ट। क्या बात है। तो जितने सारे दर्शक हैं जरूर देखें, मतलब इंडियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना जो इतिहास है उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करते हुए बिल्कुल, आई एम श्योर हमें इस इंडिया शायरी प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी सोनाली तुमने 5,000 साल बोल दिया, तो नो प्रेशर एट ऑल।
थैंक बट आई यू रियली होप कि मुझे मुझे आपके साथ सच में ये ऑफ द स्क्रीन मुलाकात करने को मिले, तो मैं जरूर आपसे इंशाल्लाह। तारे एंड सारे सॉरी सवाल आज पूछ बिंदी नहीं लूंगी. थी लेकिन आज लक्ष्मी जी हैं तो बाय. ओके